हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बनाऊंगी रोस्टेड पोहा या चिवड़ा नमकीन। ये खाने में क्रंची, टेस्टी और हेल्दी होने के साथ ही बहुत कम समय में बनकर रेडी हो जाती है। कई स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र में इसे दिवाली जैसे फेस्टिवल में बनाया जाता है, लेकिन आप इसे नॉर्मली भी बनाकर खा सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस खट्टी मीठी चटपटी और क्रंची नमकीन को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप पोहा या चिवड़ा और 1/2 कप कच्ची मूंगफली। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ सेंटर में लिए हैं 10 से 15 फूल मखाने, 10 मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं जिनको 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, 12 बादाम इनको भी 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, 10 से 12 मैंने यहाँ पर ली है किशमिश या रेजिन्स और कुछ सूखे नारियल के टुकड़े लिए हैं जिनको पतला और लंबा कट कर लिया है। तो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर घटा या बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, तो सबसे ऊपर मैंने लिया है 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर। हल्की सी खटास के लिए आप इसकी जगह अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून मैंने यहाँ नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है हल्की सी मिठास के लिए। 10 से 12 करी पत्ता लीव्स और 1 हरी मिर्च जिसको बारीक कट कर लिया है। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पोहा। तो यहाँ पर हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा है। पोहे को ड्राई रोस्ट करने से जो इसमें मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाता है और इसमें एक क्रंचीपन आ जाता है जो इस नमकीन में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है इसे रोस्ट होने में। तो अब मैं इसे यहाँ पर चेक कर लूंगी। तो इस तरीके से अगर हम इसे तोड़ेंगे तो इजीली ये टूट रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से यहाँ पर रोस्ट हो चुका है। तो गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। गैस पर मैंने वही कढ़ाई रखी है, अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर हमें मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कच्ची मूंगफली डाली है क्योंकि ये रोस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ भी लो टू मीडियम रखा है। तो यहाँ पर 2 मिनट का समय हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी बादाम। बादाम को भी मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए मूंगफली के साथ भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काजू। तो यहाँ मैं एक एक करके डाल रही हूँ सभी ड्राई फ्रूट्स। तो इसको भी हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब मैंने इसमें डाला है कटे हुए नारियल के पतले पीसेस, इसको भी मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर नारियल को भी मैंने भून लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फूल मखाने, इनको भी हम यहाँ पर इन सभी के साथ थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। तो इनका जो क्रंची फ्लेवर होता है वो इस नमकीन में बहुत ही अच्छा लगता है। अब लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ किशमिश, तो ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो इसीलिए आप इसे थोड़ा एंड में ही डालें। इसको भी हम यहाँ पर इन सभी के साथ मिक्स करेंगे और इसे 7 से 8 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो ये सभी ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, और रोस्ट करने से जब हम इन्हें नमकीन में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इनका आता है। तो गैस का फ्लेम मैंने अब यहाँ पर बंद कर लिया है, इसको यहाँ पर एक बोल में निकाल लेंगे। तो उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है, तो तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही इसमें ऐड करूंगी करी पत्ता। दोनों को यहाँ पर क्रैकल होने तक भून लेंगे। तो दोनों यहाँ अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे रोस्टेड पोहा, तो इसको अच्छे से इन सभी मसालों में मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले इसमें अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स जिसको हमने रोस्ट करके रखा था, इसको इस पोहा में मिक्स कर लेंगे।
तो ऑलरेडी इन दोनों को हमने अलग अलग रोस्ट किया था, तो अब यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस मिलाने तक ही कुक करना है। तो मैंने यहाँ पर डाला है चाट मसाला पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूंगी। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर की क्वांटिटी आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो, तो बहुत अच्छी मिठास इससे आती है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तैयार है हमारी ये क्रंची खट्टी मीठी अड़चटपटी पोहा नमकीन। तो आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में बंद करके 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।